एपिसोड 7 के पार्ट 1 के शुरुआत में जो उन सनहा से कहती है कि दाल की माँ तुम्हें बुलाई थी, फिर भी मैं जून को हमारा साथ दाल का माँ से मिलने लेकर गई, फिर भी उसे पता नहीं चलता है क्या दाल उसे पसंद कर रही है, वो कितना क्लूलेस है। तभी सनहा कहता है कि तुम भी जून के तरह क्लूलेस हो। तो जुओन पूछती है कि मैं क्यों, और उसके पैर फिसल कर सनहा का ऊपर गिरती है। यही पर सनहा जुओन को देखते ही रह जाता है, और सनहा यही पर जुओन से ये कहने जाता है कि मेरे कहने का मतलब। तभी जुओन उसके ऊपर से उठती है और सनहा से कहती है कि मैं इतनी भी क्लूलेस नहीं हूँ, मुझे सब पता चलता है। तभी सनहा क्या कहकर पूछता है, जुओन कहती है कि मैं सब नोटिस करती हूँ लेकिन आज टाइम नहीं नोटिस किया। इसे सुनकर सनहा थोड़ा सैड होता है और हंसने लगता है। तभी जुओन पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो। सनहा कहता है कि तुमने बताई थी ना कि तुम सब कुछ नोटिस करते हो, तो तुम बताओ कि मैं क्यों हंस रहा था। तभी उनके बस आता है तो वो दोनों भागते हुए बस के और जाते हैं। फिर सनहा और जुओन घर के और जाते वक्त जून एक जगह बैठा होता है। तभी जुओन पूछती है कि तुम घर क्यों नहीं गए हो। तभी सनहा भी पूछता है कि क्या तुम तुम्हारा आंटी को मिले हो, वहां पर तुम्हें कोई कुछ कहा। तभी जून कहता है कि कुछ नहीं हुआ है, मेरे आंटी ठीक है। तभी सनहा पूछता है कि तो तुम्हें क्या हुआ है। तभी जुओन जून से हमें बताओ कि वह क्या हुआ है कहती है। फिर वो तीनों स्टोर में जाकर बातें करने लगते हैं। यही पर जून सनहा और जुओन से मेरी माँ $20,000 को जुओन के पापा से लिए थे तो वो आज उन्हें रिटर्न कर ली थी। तभी सनहा कहता है कि तो तुम क्यों सैड फील कर रहे हो, वो तुम्हारा माँ है जो कर्जा ली थी तो उन्होंने रिटर्न कर ली ना, इसमें सैड फील करने का कोई बात नहीं। और वो दोनों जून को मनाने लगते हैं। फिर जून घर वापस आता है जहाँ पर जंगजे कपड़े धो रहा होता है। तभी जून भी उसका पास आकर कपड़े धोने लगता है और कहता है कि माँ ने आपको पे बैक किए हुए पैसा को मेरे फर्स्ट ईयर कॉलेज का ट्यूशन पर खर्चा होगा, तो मैं पार्ट टाइम जॉब करके आपके पैसा को पे बैक करूँगा। तभी जंगजे जून से पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चला। तो जून कहता है कि मैं आज मेरा आंटी को देखने गया था तब मुझे पता चला। और वो सैड होता है और बाहर जाकर कपड़े सुखाने लगता है। तभी जंगजे उसका पास आकर कहता है कि तुम मेरा बेटा हो तो तुम मुझसे पे बैक करने का बात मत करो। लेकिन जून कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब को जुओन सुनती है और वो पापा के पास आकर पापा को सैड ना होने कहती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ऊक खुश होता है तो जंगजे पूछता है कि तुम क्यों खुश हो। ऊक कहता है कि जंग ही ने मुझे बताई थी कि वो यहाँ से सियोल जाएगी तो मैं खुश हूँ। फिर हम जून को देखते हैं जिसका पास उसका पापा भी होते हैं और वो फिर से जून को उसका साथ आने मना रहा होता है। तभी जून कहता है कि जब मैं छोटा था तब बाप मुझे और मेरे माँ को देखने नहीं आए थे, अब आपको मेरा बहुत फिकर आ रहा है। तभी वहाँ जून का एक फ्रेंड आकर जून से कहता है कि तुम्हें देखने दो लोग सियोल से आए हैं। एक कहकर जून को वहाँ से ले जाने लगता है। फिर हम जून को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। तभी वो दोनों आदमी जो सियोल से आए हैं जो जून को देखकर उसे तारीफ कर रहे होते हैं। तभी उनके पास डोंग आता है और कहता है कि मैं जून का पापा हूँ। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जून सनहा का रूम में आकर पापा ने कहे कि तुम्हारा बेडशीट को वॉश करने। सनहा कहता है कि मैं कल ही क्लीन किया हूँ। तभी जुओन सनहा का बेड में बैठती है। तभी सनहा को जुओन को देखकर वही इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर जुओन उसके ऊपर गिरी थी और जुओन से कहता है कि मैंने कहा था ना कि तुम मेरा बेड में बैठो मत। जिसे सुनकर जुओन सनहा का बेड में लेट जाती है और कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारा बेड में सो चुकी हूँ।
तो मैं थोड़ी देर सोऊंगी। तभी सन्हा कहता है कि आज से तुम मेरा अपार्टमेंट में मत आना। जुओन पूछती है कि क्यों। तभी सन्हा बहाना बनाते हुए कहता है कि नेक्स्ट वीक मुझे एग्जाम है, और वो जुओन को उसका कमरे से बाहर करता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि सन्हा को जुओन के ऊपर फीलिंग्स है, इसलिए वो जुओन को अवॉइड कर रहा है। फिर दिन बीतता है और सन्हा और जुन का एग्जाम दिन होता है, तो जुओन उन दोनों को गिफ्ट देकर एग्जाम के लिए गुड लक कहती है। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 7 का पार्ट 1 खत्म होता है।